नमस्कार, एस टीवी न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की खबर। अनियंत्रित पिकअप पलटा, एक की मौत, 24 घायल, जयजयपुर के केगरा भाट की घटना। जांजगीर चांपा जिले के जयजयपुर में एक तेज रफ्तार पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गया। घटना में एक महिला की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल हो गए। घायलों में 4 लोगों की स्थिति बिगड़ने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया, जहां इलाज जारी है। घटना जयजयपुर क्षेत्र के केगरा भाट गाँव की है। दरअसल एक ही परिवार के लगभग 30 लोग पिकअप में सवार होकर सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। इसी दौरान केगरा भाट भोथिया के बीच पिकअप अनियंत्रित थी, उसमें एक महिला की मौत हो गई, वहीं 24 लोग घायल हो गए। घायलों में ज़्यादातर बच्चे और घटना के बाद डायल 112 और संजीवनी 108 की पीड़ितों को स्थानीय अस्पताल में पहुँचाया गया, जहाँ से गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। वहीं मामूली रूप से घायलों का स्थानीय स्तर पर इलाज जारी है। क्या नाम है? संत राम सिद्धार्थ। अच्छा, कहाँ जा रही है पिकअप? पिकअप जाटापारा भोथिया जाते। अच्छा, क्या कार्यक्रम में शामिल जा रही है? छठी न्योता यात्री से। क्या हुई फिर? केकरा भाट के जंगल में पिकअप अनियंत्रित होकर पलट गए। कितने जगह घायल हो इसे? 20-22 जगह घायल हो गए। खत्म होते कौन? खत्म होते हैं मोर माँ। बाकी मन कहाँ है? घायल मन? घायल मन मतलब जेकर ज़्यादा है होते मतलब आने हॉस्पिटल है कर दे गए रिफर। आस्था हुआ है उसके बारे में? थाना बारादवार क्षेत्र में सूचना मिली कि अमलीडी से जाटा की ओर एक बोलेरो सोल्ड वाहन जा रहा पिकअप, जिसमें कि तकरीबन 24 से 25 लोग इसमें सवार थे, जिसमें अचानक तीखे तीव्र मोड़ पर यह वाहन पलट गया है, जिसमें कि 20 घायल है और जिसमें 4 गंभीर रूप से घायल है और एक महिला की इसमें मृत्यु हो चुकी है और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जा रही है और इसमें फिलहाल में 0 पे मर्ग कायम करके थाना जयजयपुर में कार्रवाई कर रहे हैं और अग्रिम कार्रवाई जा रही है इसमें। सर, इसमें पिकअप संचालक के ऊपर कुछ कार्रवाई होगी? अब इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, पहले इसमें कायमी की करेंगे और थाना बारादवार क्षेत्र में और इसमें अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ऐसे खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें।